WWE प्लान कर रही है गोल्ड बग का बहुत बड़ा शॉकिंग मैच, और क्या क्या प्लानिंग है WWE की आने वाले टाइम में रेसलमीनिया के लिए, चलिए शुरू करते हैं। तो डेमन प्रीज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है एक ऐसे सुपरस्टार का, वो भी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को लेकर। अभी और कोई नहीं, 13-14 के सबसे बड़े यूनाइटेड स्टेट चैंपियन डीन एम्ब्रोस का रिकॉर्ड तोड़ दिया डेमन प्रीज ने, और वो बन गए अब तक यूनाइटेड स्टेट चैंपियन के 168 डेज के टाइटल होल्डर। और उनके बाद आते हैं सारे के सारे सुपरस्टार, एजे स्टाइल, अपोलो ग्रोस, जिंदा महाल, सैमी ज़ेन, सिगलर और बॉबी रूड। WWE काफी अच्छा दिखा रही है डेमन प्रीज को काफी हील वाले कैरेक्टर के साथ। आने वाले टाइम पे और ज्यादा मजा आएगा इनको, इनके टाइटल को लेकर। आप लोगों क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। WWE सुपरस्टार ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के लिए मैच प्लान कर रही है मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, वही 5 मार्च को, आप सभी को पता है। ऐसे में बॉबी लेस्ली कैसे रेसल करते दिखाई देंगे एलिमिनेशन चेंबर में, तो उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, उन्होंने तो मैच भी कंप्लीट नहीं किया था एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उनके शोल्डर की वजह से। और रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ सकती है शोल्डर की। ऐसे WWE कौन सा शॉकिंग सरप्राइज देगी हमें आने वाले टाइम में, वही 5 मार्च को, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होगा। आप लोगों को क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी जानते हैं केविन ओवंस का मैच प्लान कर रही है WWE रेसलमेनिया में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के अगेंस्ट। और ऐसे में देखना भी काफी ज्यादा शॉकिंग है कि सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस एक टैग टीम की तरह दिखाई दे रहे हैं अभी के टाइम पे। तो ऐसे में क्या लगता है कि रेसलमेनिया के लिए उन्हें तैयार कर रही है WWE या एक तरीके का लीड दे रही है उनके सपोर्ट के लिए? आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा कि जब स्टीव को स्टीव ऑस्टिन रॉ में अपना रिटर्न करेंगे और वो सीधा चले जाएंगे केविन ओवंस के अगेन, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होगा। आप लोगों को क्या लगता है केविन ओवंस और स्टीव को का मैच रेसलमेनिया कितना ज्यादा मजा देगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो WWE प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए बहुत बड़ा मैच है, उसके बाद भी ये मैच होने के चांसेस लग रहे हैं। सबको पता है कि स्टीव को स्टीव ऑस्टिन आने वाले केविन ओवंस के अगेन उनके लिए प्लानिंग और रूमर चल रहे हैं। ऐसे में WWE एक मैच और प्लान कर रही है, अगर स्टीव ऑस्टिन वो मैच अच्छे से रसल कर जाते हैं तो उसके बाद एक बहुत बड़ा मैच हमें देखने को दिखा सकती है WWE। वो और कोई नहीं, स्टीव कोल स्टीव ऑस्टिन वर्सेस द गोल्ड बग के अगेंस्ट। सब लोग जानते हैं कि दोनों बहुत बड़े दिग्गज सुपरस्टार है WWE के, बहुत पुराने सुपरस्टार है। और WWE इस मैच को प्लान कर रही है तो इसके लिए इसके पीछे तो बहुत बड़ा मकसद हो सकता है WWE का, अपने पुराने ऑडियंस को WWE वापस लाना चाहती हो अपनी तरफ। और ऊपर से ये भी हो सकता है कि रेसलमेनिया में करवा दे गोल्ड बग बना स्टीव कोल स्टीव ऑस्टिन, ये दोनों ही सुपरस्टार एटीट्यूड है रखे, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होगा आप सबके लिए। आप लोग क्या लगता है ये दिग्गज सुपरस्टार का मैच होना चाहिए स्टीव को स्टीव ऑस्टिन द गोल्ड बग का रेसलमेनिया में या रेसलमेनिया के बाद, कमेंट करके जरूर बताइएगा।